Assalamu alaikum. Scholarship exam, FEEP. Dear student, today we will going to learn name of the colors, shades of the things, objects, vegetables, fruits and games. प्यारे बच्चों, आज हम रंगों के, चीजों की शक्ल सूरत के, सब्जियों के, फलों के और खेलों के नाम के मुताबिक पूछे जाने वाले सवाल और जवाब देखेंगे. Question number 1. Which of the given words is not the name of a color? Zail ka kaun sa lafz rang ka naam nahi hai? Options diye hue hai blue, yellow, hard and red. Aapko pata hai blue, yellow aur red rango ke naam hai. Hard ke maani sakht hai. Ye rang nahi hai isliye mutabadil teen jawab hai. Question number 2. What is the color of ripe bananas? पके हुए केलों का रंग कैसा होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं रेड, येलो, ग्रीन एंड व्हाइट. पके हुए केले पीले होते हैं. पीले के लिए अंग्रेजी लफ्ज येलो है, इसलिए मुतबादिल दो जवाब है. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द ऑड वर्ड आउट. दूसरों से अलग लफ्ज को पहचानिए. मुतबादिल दिए हुए हैं पोटैटो, कैरेट, चिली, मैंगो. पोटैटो, कैरेट, चिली, भाजी तरकारियों के नाम है. मैंगो फल है. ये अलग लफ्ज है, इसलिए मुतबादिल चार जवाब है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर. शक्ल में बताई हुई शय की सूरत कैसी है? ऑप्शंस सर्कल, हर्ड, ओवल एंड कोन. तस्वीर में अंडा दिखाया गया है. अंडे की शक्ल सूरत बैंगनी होती है. इस सूरत के लिए अंग्रेजी लफ्ज ओवल है, इसलिए मुतबादिल तीन जवाब है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द गिवन शेप्स इज अ स्क्वायर. ज़ेड की कौन सी शक्ल मुरब्बा है? मुतबादिल 1, 3, 4 में बिलतरतीब मुसलस, बादाम और दायरे की शक्ल है. 2 की शक्ल मुरब्बा है, इसके लिए अंग्रेजी लफ्ज स्क्वायर है, इसलिए मुतबादिल 2 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द गिवन फ्रूट्स इज सॉर इन टेस्ट. ज़ेल के किस फल का जायका खट्टा है? ऑप्शन है स्वीट लाइम, एप्पल, लेमन एंड पीच. यहाँ पर स्वीट लाइम यानी मौसम्बी, एप्पल यानी सेब, पीच यानी शक्तालू सबके जायके मीठे हैं. लेमन यानी नींबू का नींबू खट्टा होता है, इसलिए मुतबादिल 3 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 7. विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. कौन सा लफ्ज दूसरों से मुख्तलिफ है? ऑप्शंस बनाना, ओनियन, ऑरेंज, वाटरमेलन. बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन यानी तरबूज फल है. ओनियन प्याज तरकारी की किस्म है, इसलिए ये लफ्ज मुख्तलिफ है, इसलिए मुतबादिल 2 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द गिवन गेम्स इज नॉट एन आउटडोर गेम. दिया हुआ कौन सा खेल बैरून खाना खेल नहीं है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी एंड कैरम. आपको पता है कि फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी मैदानी खेल है, बैरूनी खेल है. अलबत्ता कैरम बैठकर खेलने वाला खेल है, इंडोर गेम है, घर में खेले जाने वाला खेल है, वो मैदानी खेल नहीं है, इसलिए मुतबादिल 4 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 9. विच गेम रिक्वायर्स अ रैकेट फॉर प्लेइंग इट. किस खेल को खेलने के लिए रैकेट की जरूरत होती है? ऑप्शन है चेस, हॉकी, क्रिकेट एंड टेनिस. आपको पता है कि चेस, हॉकी, क्रिकेट में रैकेट नहीं होता है, जबकि टेनिस के खेल में रैकेट इस्तेमाल होता है, इसलिए नंबर 4 क्या है सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 10. चूज द वर्ड रिलेटेड टू क्रिकेट. क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाला लफ्ज मुंतखब कीजिए. ऑप्शंस ये हैं गोलकीपर, वॉलीबॉल, विकेट कीपर एंड नेट. क्रिकेट के ताल्लुक से विकेट आता है. इस विकेट के पीछे खड़े होकर बॉल की हिफाजत करने वाला विकेट कीपर होता है, इसलिए मुतबादिल 3 सही जवाब है.